फ्रेंड्स, वेलकम इन मेची एकेडमी। आज हम बात करेंगे लेटर सीरीज की। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सीरीज, नंबर सीरीज चैप्टर में पहले नंबर सीरीज कवर की थी, अब हम लेटर सीरीज की बात करेंगे। लेटर सीरीज के लिए सबसे पहले तो आपको 26 जो लेटर्स हैं टू जेड विद इन जो लेटर्स हैं 26 और साथ ही उनके नंबर जो है, जैसे ए का 1 नंबर है, जेड का 26 नंबर है, एम का 13 नंबर है, ऐसे आपको नंबर साथ में याद होना चाहिए। जैसे आपको कोई भी एग्जाम लोगे, एसएससी का, बैंकिंग का, कोई भी एग्जाम लोगे, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, ऑनलाइन आज के टाइम पे सारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 5 मिनट पहले ही रफ शीट दे दी जाती है। ये रफ शीट आपको दी जाती है, उस पर आपने जो 5 मिनट्स पहले इंस्ट्रक्शन यूज करने के साथ साथ मिलेंगी, उसमें आपने ए टू जेड ए बी सी लिख लेनी है और साथ ही नंबर्स लिख लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं उनमें ए बी सी अल्फाबेट्स जो है वो यूज होंगे। तो आपका एग्जाम के टाइम पे जो टाइमिंग चल रही होगी 60 मिनट की, जो भी टाइमिंग होगी वो आपके सेव हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में आज सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको यहाँ पे बताना है कि ये ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें कि आपने सिंपल पैटर्न फॉलो करना, पहले पहला पहला नंबर देना है, फिर सेकंड सेकंड वाला, फिर थर्ड थर्ड वाला। लेटर सीरीज में ये सिंपल कंसेप्ट फॉलो करना है। सबसे पहले देखो एच आई जे के और आगे क्या आएगा, एल आ जाएगा, ऐसे जे के एल एम, आगे एन आ जाएगा, बी सी डी ई, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेटर सीरीज एज कम्पेयर टू नंबर सीरीज के बहुत ज्यादा इजी होती है। इसमें आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड सेकंड, फिर थर्ड थर्ड लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है एस, फिर टी, फिर यू, फिर अभी आ जाएगा, सी डी छोड़ के उन्होंने ई लिया, फिर एफ छोड़ के जी लिया, फिर एच छोड़ के, देखो यहाँ से भी देख सकते हो, फिर पहले सी था, फिर डी छोड़ के उन्होंने ई ले लिया, उसके बाद में एफ छोड़ के फिर उन्होंने जी लिया, ऐसे ही एच छोड़ के यहाँ पे आई आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड लेटर देख लो, सी डी दे रखा है। ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेकंड सेकंड नंबर थर्ड थर्ड लगाना है, ये कंसेप्ट भी फॉलो कर सकते हो। ये नंबर आपको पता चल गया, ये साथ ही दोनों दोनों कंबाइन नंबर ले रखे हैं। जैसे ये था सी डी ई एफ जी एच, आगे आई के साथ जे आ जाएगा। नेक्स्ट बी सी डी ई, यहाँ पे एफ आ गया, और ये देखो बीच में उन्होंने एफ 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 सभी में कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट एन दे रखा है, एन के बाद में वो यहाँ से चेक कर लो एन, फिर नेक्स्ट वाला ओ दे रखा है, फिर पी दे रखा है, आगे क्यू दे रखा है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आर आ जाएगा। नेक्स्ट ये नंबर और लेटर सीरीज दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन है, ये लेटर सीरीज में कवर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने दे रखा है येड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, देखो ये बैक सीरीज आ रही है, येड वाई एक्स डब्ल्यू, और नेक्स्ट लेटर हमारा क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगी यहाँ पे अभी। ऐसे ही इसमें दे रखा है, पहले इसमें येड वाई वाला कवर हो गया, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट फॉलो कर लो, देखो ए, फिर इसमें बी दे रखा है, इसमें ए यहाँ पे आया, बी सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ गया, फिर सी आया, फिर डी आया, यहाँ पे अब ई आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो फाइव, फिर एक नंबर पूरा छोड़ के बॉक्स, फिर सिक्स दे रखा है, इसमें ये पूरा बॉक्स छोड़ दो, यहाँ पे सेवन आ जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन एसएससी में जो लोअर लेवल के एग्जाम है, क्लरिकल लेवल के एग्जाम है, उसमें ये कंपलसरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एक या कई बार दो भी आ जाते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, ये लंबी सी एक सीरीज बना के आपको दी हुई है, और इस सीरीज में उन्होंने आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि जो ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, ये कुछ कंसेप्ट पता नहीं चल रहा है इसमें कितनी सारी ब्लैंक्स दे रखी है, तो आपने क्या करना है, पहले से ये काउंट कर लेनी है जो लेटर दे रखे हैं और जो ब्लैंक्स हैं ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं। अब देखो इसमें कोई कंसेप्ट पता चल रहा है कि क्या बन रहा है, इसमें ऐसे कंसेप्ट बनाना होता है कि जो यहाँ पे फिल करके बनाओगे वही कंसेप्ट बार बार फॉलो होगा। जैसे इसमें तीन तीन का, जैसे 12 है तो तीन तीन के पेयर ले लो, ये तीन तीन के पेयर पे छोटा छोटा कॉमा लगा लिया, ये तीन तीन का पेयर बन गया। अब इसमें हमें फिल करना होता है, नीचे चार आपको ऑप्शन दे रखी होगी, आप इसका जो क्वेश्चन है इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो और पहले सॉल्व
करके फिर ऑप्शन भी मैच कर सकते हो। जैसे इसमें तो ये सिंपल सा कंसेप्ट बन रहा है, जैसे आप देखो इसमें क्या फील होगा कि सिमिलर सिमिलर पैटर्न बने। तो देखो जैसे ये ओ है, इसका फर्स्ट ओ दे रखा है, इसके यहाँ पे पता नहीं, और यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फिल करके देखो आउल बन गया। अब यहाँ पे भी एल फिल करोगे तो आउल बन गया। ऐसे ही यहाँ पे एल ऑलरेडी दे रखा है, ओ डब्ल्यू यहाँ से देख के फिल कर दो, और नेक्स्ट ही ओ डब्ल्यू एल यहाँ पे ये आउल ये जो है वर्ड ये पूरा बन गया। ऐसे कंसेप्ट होता है इसको, आप जो चार ऑप्शन होंगी आप उससे भी फिल कर सकते हो। और ये पूरा कंसेप्ट है जो लेटर सीरीज है, इसमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर फिर सेकंड सेकंड ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको समझ आ रहे हैं, जैसे बीच बीच में ये कॉमन नंबर दे रखा था, तो बी सी डी ई एफ ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर सीरीज में क्या होता है, जो लेटर सीरीज के ये क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सॉल्व करने की, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना होता है, इसमें एक या फिर दो लेटर तक ही चेक करते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े भी आ जाते हैं, एक लेटर तक ही चेक करके आंसर मैच कर जाता है। तो आपने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन रिसीविंग में कभी भी सॉल्व नहीं करना, हमेशा फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर तक। ऐसे ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी एक एक जो नंबर है उसे सॉल्व करके, या फिर लेटर सीरीज के एक एक लेटर तक सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू।